बच्चों, मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा था कि पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, और हमने बहुत सारी चर्चाएं उसमें कर दी थी कि हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे करते हैं उस, है ना। तो उसमें हमारे पास चर्चा हुई थी कि ताप परिवर्तन के करके कर सकते हैं हम, दाब परिवर्तन करके कर सकते हैं हम, और कुछ हमने सामान्य उदाहरणों की जानकारी भी आप लोगों को दी थी कि कैसे हम ताप परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे दाब परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। और अब हम अपने पिछले सेशन में चर्चा कर रहे थे वाष्पीकरण पर, वाष्पीकरण से क्या है वाष्पीकरण, और हमने चर्चा भी की थी कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या 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 अंतर है, या दोनों एक प्रकार की घटनाएं हैं, क्योंकि क्वथनांक में भी वाष्प अवस्था में बदलता है और वाष्प में भी द्रव वाष्प अवस्था में बदलता है। तो आओ इस पे हम आज फिर चर्चा करें कि वाष्पीकरण क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने पिछले सेशन में आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा था कि वाष्पीकरण, और मैं देखिए मैंने डेफिनेशन आपसे बताई थी, और मैं एक बार पुनः आपसे एक बार क्लियर कर रहा हूं कि देखो, हमने कहा था कि यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। द्रव पदार्थों में सतह पर कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। अब देखो, हमने ये भी पढ़ा था, क्वथनांक भी पढ़ा था, ठीक, और हम बात कर रहे हैं वाष्पन की, वाष्पीकरण या वाष्पन की। अब आप थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाए कि क्वथनांक हम किसे कहेंगे और वाष्पन किसे कहेंगे। तो देखो, मैं पानी का देखो दो उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। एक हम माना, अब इसमें हमने क्या लिया, पानी लिया, क्या लिया इसमें, पानी। और एक आपने देखा होगा कि आप अपने कपड़े जो है किसमें सुखाते हैं, कपड़े का, कपड़े सुखाने के लिए कहाँ रखते हैं, धूप में रखते हैं। दो चीज होती है आपके पास, ये आपको आइडिया है। तो बच्चों देखो, मैं जनरल से कह रहा हूं कि अगर पानी को हम पानी का उबलने के बाद वाष्प में बदलना, है ना, पानी जब उबलने लगता है तभी तो वो वाष्प में बदलता है, और कपड़े जो हम धूप में रखते हैं क्या ये उबलते हैं, नहीं। तो देखो यही समझ लो, यहां पर जो पानी का उबलने के बाद वाष्प बन रहा है तो मतलब वो कौन सी घटना है, क्वथनांक है, वो कौन सी घटना है, क्वथनांक है। और ये हमको भी पता है कि पानी, देखो हमने कहा था वैसे सामान्य रूप से पानी, जो पानी अगर हम ऐसी लें तो सामान्य रूप से पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले वो धीरे धीरे गर्म होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो क्या होने लग जाता है, वाष्प अवस्था बदलने लग जाता है। मतलब इस ताप पर देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होने लग जाता है, ऊपर उबलने लग जाता है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये ताप, निश्चित ताप है कि पानी अगर उबलेगा या पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलेगा तो कितने डिग्री टेम्परेचर में बदलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वथनांक से नीचे, आप देखो कपड़े, आप लोग समझ लीजिए कपड़े हम धूप में डालते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। जबकि हम कह रहे हैं कि क्वथनांक में, हमें क्वथनांक में निश्चित है कि हमारा तापमान 100 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबलेगा, जबकि यहाँ पर इससे, इस 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी इन कपड़ों में जो पानी है वो क्या होने लग जाता है, वाष्पित होने लगता है। और दूसरी चीज कि हमने कहा क्वथनांक, क्वथनांक एक आंतरिक घटना है, कैसी घटना है, आंतरिक घटना है। आंतरिक घटना का मतलब ये क्या होती है, पूरे द्रव में, आप लोगों ने आंतरिक घटना का मैं समझा सकता हूं आपको कि जब आप कभी घर में ध्यान देना, अगर आप पानी गर्म करें तो आप देखते हैं कि पानी के एक एक कण नीचे से जो है सतह से कहां आते रहते हैं, ऊपर पानी के तल पर, ऊपर सतह पर आते आने तल से ऊपर सतह पर आने लगते हैं। लेकिन जो वाष्पन, है वो आंतरिक घटना नहीं है, बल्कि वो कौन सी घटना है, सिर्फ सतह 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 पर होने वाली घटना है, सतह पर होने वाली घटना है, ठीक है ना। तो क्वथनांक और वाष्पन या वाष्पीकरण मुख्य रूप से दो चीजें समझ लीजिए आपकी। जो क्वथनांक है, माना जब द्रव किसी निश्चित ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक, और जब क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं हम वाष्पीकरण। अब हम चर्चा कर रहे थे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बच्चों, तो इसको मैं एक बार फिर आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने यहां पर आप लोगों को उदाहरण दिया था, मैंने कहा था कि अगर हमने एक कप में भी चाय ली है और प्लेट में भी हम चाय लेंगे, या आप लोग कभी कभी देखा होगा आपने कि
कि कोई चीज हमको ठंडी करनी है तो हम उसको ज्यादा चौड़ी उसमें रखते हैं, चौड़े बर्तन में रखते हैं तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो क्या कारण है उसका? देखो हम कह रहे हैं सतह का क्षेत्रफल, हमेशा याद रखना कि अगर सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा, सतह का क्षेत्रफल अगर क्या होगा अधिक होगा, तो हमेशा वाष्पन की जो दर होगी, वाष्पन की दर भी हमेशा क्या होगी अधिक होगी। वाष्पन की दर भी हमेशा क्या होगी अधिक होगी, ठीक है ना। वाष्पन की दर क्या होगी अधिक होगी। और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन की दर भी क्या होगी कम होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये उदाहरण है, ये आप अपने घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं कि आप एक कप में चाय लीजिए और एक प्लेट में, चौड़ी प्लेट में चाय लीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि इसमें चाय जल्दी ठंडी हो गई और इसमें चाय देर में ठंडी हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस प्लेट का जो सतह का क्षेत्रफल था वो क्या था अधिक था। तो सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो वाष्पन की क्रिया हुई वो क्या होगी अधिक होगी। तो वाष्पन की क्रिया अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगा जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। और यहां पर वाष्पन की क्रिया दे कम होगी तो वाष्पन की क्रिया कम होगी तो ये ठंडी देर में होगी। अब एक एक बात और आती है कि ये ऐसा ठंडा क्यों होता है, इसमें शीतलन का प्रभाव, इसको मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे अभी, कि वाष्पन होने के फलस्वरूप कोई चीज ठंडी क्यों हो जाती है, इसे हम कहते हैं शीतलन का प्रभाव, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा। अब हमारे पास दूसरी चीज है तापमान। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी हेडिंग हमारे पास तापमान, कि तापमान का क्या प्रभाव, तापमान देखो वाष्पीकरण पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको भी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं कि माना बच्चों आप 2 गिलास लीजिए, माना 1 गिलास आपने ये लिया और 1 गिलास 2 गिलास आप लीजिए और 1 गिलास पानी दोनों में बराबर रखिए, ठीक है, और 1 गिलास को आप तेज धूप में रखिए, किसमें रखिए आप तेज धूप में रखिए, और 1 गिलास को आप कमरे के अंदर ठंडे स्थान पर रखिए, कमरे के अंदर ठंडे स्थान पर रखिए, ठीक है। कमरे के अंदर किसमें रखिए आप ठंडे स्थान पर रखिए, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने तेज, अब आप एक चीज याद रख लो, जब यहां पर तेज इसको अगर हमने तेज धूप में रखा है तो यहां पर जो तापमान होगा वो तापमान क्या होगा अधिक होगा या कम होगा? यहां पर तापमान क्या होगा बच्चों अधिक होगा, यहां पर तापमान क्या होगा अधिक होगा। और जो हमने अंदर रखा हुआ है, कमरे के अंदर रखा हुआ है, तो यहां पर तापमान क्या होगा यहां पर कम होगा, ठीक होगा। जो कमरे के अंदर तेज धूप के अपेक्षा जो कमरे के अंदर रख बर्तन रखा हुआ उसमें तापमान क्या होगा कम होगा, जब ठंडा है तो तापमान कम होगा और यहाँ क्या होगा अधिक होगा, ठीक हो गया। अगर हम इसको माना कुछ देर के लिए हमने या एक दिन के लिए हमने एक एक गिलास हमने तेज धूप में रखा और 1 गिलास हमने कमरे के अंदर रखा, जब हम इसका काफी समय बाद जब हम इसका निरीक्षण करेंगे तो अगर हम कह रहे हैं हमने माना सुबह इसको रख दिया था, अब जब हम शाम को देखते हैं तो ये जो हमने तेज धूप में रख जो हमने ये तेज धूप में रखा हुआ था, ठीक है बच्चों, ये हमने जो तेज धूप में रखा हुआ था, ये जो हमने तेज धूप में रखा था, इसकी स्थिति हमने देखी कि इसमें जो तल था वो तल माना पहले यहां था और अब वो तल घट करके यहां आ गया। ये हमारा पहले का तल था, ये तल पहले रखा गया था और ये बाद में देखा गया, ठीक हो गया। और जो हमने अंदर रखा हुआ था इसकी क्या सिचुएशन हुई, इसमें तेज धूप की अपेक्षा देखो यहां पर ये पहले वाला तल था और ये बाद में हमने जब इसको देखा, तो देखो क्या अंतर पा रहे हैं हम, देखो यहां पर ये गैप देख लो आप, ये ज्यादा है और यहां पर ये गैप क्या है कम है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखो जब हमने इसको अधिक तापमान में रखा तो वाष्पन की दर अधिक हुई होगी या कम हुई होगी? हाँ, यहां पर वाष्पन की दर क्या हुई अधिक हुई, वाष्पन की दर यहां पर क्या हुई अधिक हुई, ठीक हो गया।
और यहां पर देखो यहां पर तापमान कम था क्योंकि उसको हमने कहा रखा था कमरे के अंदर ठंडे स्थान पर रखा हुआ था। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो तल है वो तल बहुत कम हो गया, वो तल जो है बहुत कम हुआ, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ जितना कि धूप में रखने की अपेक्षा हुआ था। तो यहां पर जो वाष्पन की दर थी वो क्या हुई, कम हुई। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, देखो जो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ेगी, और तापमान घटाने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। तो देखो इससे क्या निष्कर्ष निकाला हमने, अगर तापमान अधिक होगा, तापमान क्या होगा अधिक होगा, तो वाष्पन की दर भी क्या होगी अधिक होगी। तो वाष्पन की दर भी क्या होगी, वाष्पन की दर, तो वाष्पन की दर भी क्या होगी अधिक होगी, ठीक हो गया। और अगर तापमान कम है, अगर क्या है तापमान कम है, तो वाष्पन की दर भी क्या होगी, तो वाष्पन की दर भी क्या होगी कम होगी, वाष्पन की दर भी क्या होगी कम होगी। तो हमेशा तापमान बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ती है और तापमान घटाने पर वाष्पन की दर घटती है। तीसरा कारण हमने बताया था आर्द्रता, क्या बताया था आप लोगों को, आर्द्रता तीसरा गुण बताया, तीसरा प्रभाव बताया था हमने जो प्रभावित करता है वाष्पीकरण को, वो था आर्द्रता। या बच्चों आर्द्रता को हम शॉर्ट रूप में समझो, इसको हम नमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, नमी भी कहते हैं। एक जनरल सा आप उदाहरण समझो, अगर आप गर्मियों में, देखो दो चीजें मैं कह रहा हूं, एक मैं कह रहा हूं गर्मियों में और एक बरसात, ये ऋतुएं सब जानते हैं। हाँ गर्मियों में हमको बहुत सारी बहुत गर्मी पड़ती है और बरसात में बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बच्चों अगर हम अपने कपड़े, जो हमारे पास कपड़े हैं, इन कपड़ों को अगर हम धूप में रखें, ठीक है ना, हमने कपड़े जो है देखो गर्मियों में भी धूप में रखे और बरसात में भी धूप में रखे, तो आप लोग बताइए कब कपड़े कहां जल्दी सूखेंगे, गर्मियों में जल्दी सूखेंगे या बरसात में जल्दी सूखेंगे? कपड़े गर्मियों में जल्दी सूखेंगे। और क्यों सूखेंगे गर्मियों में जल्दी? एक कारण तो ठीक है इसका तापमान क्या है अधिक है, और दूसरी बात देखो गर्मियों में जो हमारे पास वातावरण है, वातावरण समझते हो ना, वातावरण में हमारे चारों ओर का जो स्थान है, वातावरण में जो नमी है, गर्मियों में वातावरण में जो नमी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? नमी क्या होगी, कम होगी। मतलब नमी कम होने का मतलब यह है कि वातावरण में जो गैसें हैं उनके साथ जल वाष्प क्या है, बहुत कम है। वातावरण में जो गैसेज हैं उन गैसों के साथ जो जल वाष्प है, जल वाष्प क्या है, कम है, जल वाष्प कम है, जल वाष्प कम है। तो यह आसानी से क्या करेगा, कपड़ों से पानी को वाष्पित कर देगा। बरसात में अब हम कह रहे हैं बरसात में कपड़े क्या होते हैं, देर में सूखते हैं, है ना। तो देर में क्यों, देखो अब वही बात है कि वातावरण में, देखो जब हम बरसात की बात कर रहे हैं तो जो वातावरण में नमी है, देखो जो वातावरण में नमी है, अब वातावरण में नमी मतलब जो जलवाष्प की बात कर रहा हूं मैं, ये जलवाष्प बरसात में क्या होगा, अधिक होगा, है ना। जलवाष्प वातावरण में क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा बरसात होती है तो वातावरण में नमी बनी रहती है, तो नमी बनी रहेगी, ऑलरेडी वहां जल वाष्प है, तो जो हमारे कपड़े हमने धूप में डाले हैं वो बहुत आसानी से वहां से वाष्पन की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नमी पहले से ही किसमें उपलब्ध है, वायु में उपलब्ध है। तो यहां पर देखो गर्मियों में कभी कभी जनता प्रश्न आता है कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जबकि बरसात में नहीं सूखते हैं, या दूसरे रूप में आप प्रश्न आ सकता है कि गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और जाड़ों में नहीं सूखते हैं। तो जब गर्मियों की और जाड़ों की बात आएगी तब हम कहेंगे टेम्परेचर, तब तापमान, गर्मियों में तापमान अधिक होता है इसलिए वाष्पन की क्रिया अधिक होती है, और जाड़ों में तापमान कम होता है इसलिए वाष्पन की क्रिया कम होती है। और अगर बात आ गई कि गर्मियों में जल्दी सूखते हैं और बरसात में नहीं सूखते, तब क्या कारण है, तब कारण है हमारी आर्द्रता या नमी। गर्मियों में वातावरण में नमी कम होती है इसलिए वो आसानी से भाप को सोख लेता है, और बरसात में नमी अधिक होती है इसलिए वो आसानी से जल वाष्प को अपनी ओर नहीं खींचता है। तो ठीक हो गया बच्चों आर्द्रता। अब समझ लो अगर आर्द्रता कम होगी, अगर क्या होगी, आर्द्रता, अगर आर्द्रता कम होगी तो वाष्पन, तो जो वाष्पन की दर है
जो वाष्पन की दर है वो क्या होगी, अधिक होगी। जो वाष्पन की दर है वो क्या होगी, अधिक होगी। और अगर आर्द्रता मीन्स नमी, और अगर आर्द्रता अधिक है, अगर आर्द्रता क्या है, अधिक है, तो जो वाष्पन की दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये भी क्लियर हो गया। इस पर दो प्रकार के प्रश्न हमने बता दिए कि गर्मियों में और बरसात में क्यों ऐसा होता है, या गर्मियों और जाड़ों में ऐसा क्यों होता है। ठीक हो गया। और अब अंतिम कारण है इसका कि वायु की गति, अंतिम कारण है इसका वायु की गति, जो वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है। वायु की गति, तो देखो इसको, इस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों से एक चर्चा कर लूं। बच्चों कभी कभी क्या होता है, जब माना बाहर बरसात हो तो आपने देखा होगा घर में आपकी बड़ी बहनें या आपकी माँ जी क्या करती हैं कि कपड़ों को पंखे के नीचे रख देती हैं, पंखे को चलाती हैं और पंखे के नीचे रख देती हैं। या कभी कभी क्या होता है कि अगर हम घर घर में जो है सफाई करते समय पोछा लगाते हैं, और पोछे के लगाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन पंखा हवा चलाते हैं, हवा करते हैं। तो क्यों करते हैं हवा, या मैं वायु की गति के गति ही निर्धारित करती है। ऐसा क्यों करते हैं हम कि पंखे कपड़े के नीचे पंखा चलाते हैं? और तो देखो क्यों, कि वायु क्या करती है, कपड़ों से क्या करती है, नमी को सोखती है। तो देखो अगर वायु की गति अगर हमेशा अधिक होगी, वायु की गति अगर क्या होगी, अधिक होगी, तो क्या कौन सी क्रिया अधिक होगी, वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। वाष्पन की जो क्रिया है, वाष्पन की जो दर है वो क्या होगी, अधिक होगी। क्या अगर वायु की गति क्या है, अधिक है, अगर वायु की गति क्या है, कम है, तो वाष्पन की दर क्या होगी, कम होगी। अब देखो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, इसमें इसमें कम हो जाएगी, और वायु की गति अगर अधिक है तो वाष्पन क्या हो जाएगी, गति अधिक हो जाएगी। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे ऐसा क्यों किया हमने, कपड़े पंखे के नीचे रखे और तेज पंखा पंखा क्या किया, तेज चलाया, तो पंखा तेज चलाएंगे तो वायु की गति क्या होगी, अधिक होगी। तो वायु की गति अधिक होगी तो वाष्पन की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। और वाष्पन की दर अधिक होगी तो हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। और अगर वायु की गति कम है, ठीक हो गया, तो वाष्पन की दर भी क्या होगी, कम होगी। और वाष्पन की दर कम होगी तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत देर में सूखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक से, अब मैं बात कर रहा हूं वाष्पीकरण से शीतलता, इसको हम पढ़ेंगे, वाष्पीकरण से शीतलता, शीतलता का मतलब समझ लो ठंडक, वाष्पीकरण से शीतलता। पहले आप थोड़ा मेरे साथ ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या चीज है ये। तो देखो वाष्पीकरण, लिखो मेरे साथ, लिखो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास कि वातावरण, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हमने,
वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। जिससे ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है, और वातावरण शीतल हो जाता है। शीतल मीन्स ठंडा हो जाता है। तो देखो अब क्या करेंगे, पहले एक बार देख लो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। अब देखो बच्चों, इसमें मैं उदाहरण के साथ आप लोगों से चर्चा करता हूं। आप लोगों ने महसूस किया होगा, कभी कभी अगर आपके हाथ में पेट्रोल गिर जाए तो आप लोग क्या महसूस करते हैं, है ना? पेट्रोल तो देखा है सब लोगों ने। अगर आपके हाथ में अगर पेट्रोल पड़ जाए तो आप क्या महसूस करते हैं? हाँ, वहां पर हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। पेट्रोल अगर हमारी हथेली पर गिर गया तो हम हथेली पर क्या महसूस करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। अब क्यों करते होंगे ऐसा, क्यों होता है ऐसा, हम ठंडक महसूस करते हैं। तो मैंने अभी देखो ये परिभाषा बताई थी आपको कि क्या होता है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वातावरण, देखो क्या कह रहे हैं, वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। देखो तो क्या कह रहे हैं ये, देखो हम क्या, आप देखो समझो इसको क्या हुआ, हमारे हाथ पर जब हमने क्या, अपने हाथ पर हमने देखो, हमारे हाथ पर पेट्रोल गिरा तो हमारे हाथ के आसपास जो ऊर्जा थी, आपने देखा होगा पेट्रोल को आप जैसे ही हाथ में गिरता है तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो हमारी हथेली के आसपास की जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा किसने ग्रहण कर ली, पेट्रोल के कणों ने। वो किसने ग्रहण करी, पेट्रोल के कणों ने हमारे आसपास की जो ऊर्जा थी वो किसने ग्रहण कर दी, पेट्रोल के कणों ने ग्रहण कर ली। अब पेट्रोल के कणों ने जैसी ऊर्जा ग्रहण की और वो क्या हो गए, वाष्पित हो गए। वो क्या हो गए, वहां पर से वाष्पित हो गए और वाष्प अवस्था में बदल गए, तो देखो अब यहां पर ये वाष्पित हो गए, यहां पर ऊर्जा की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, जो गर्मी हमें लग रही थी उस ऊर्जा की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऊर्जा की कमी हो गई तो यहां पर हमें क्या महसूस हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार ढेर सारे उदाहरण हमारे पास हैं कि वाष्पन के कारण शीतलीकरण, हमें वाष्पन के कारण शीतलीकरण क्यों महसूस होता है। अब इस पर आधारित जो प्रश्नावली है उस पर चर्चा करेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।